नमस्कार, झरोखा चैनल में आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से एक नया अध्याय लेकर आए हैं और यह है डायरी लिखने की कला। तो चलिए आज हम डायरी लिखने की कला के बारे में प्रश्नोत्तरों के माध्यम से जानेंगे। इसमें प्रश्न पहला है, डायरी लेखन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, देखिए कि दिन भर हम जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से होकर गुजरते हैं, उन्हें ही डायरी के पन्नों में अगर हम लिख लें तो उसे डायरी लेखन कहा जाता है। हमारे मन में दिन भर बहुत सारे विचार आते हैं, देश के बारे में, समाज के बारे में, अपने बारे में, जीवन के बारे में, पर्यावरण और प्रकृति के बारे में। तो उन विचारों को अगर हम रोज दर्ज कर लें तो यह एक प्रकार का डायरी लेखन होगा। घटनाओं के बारे में भी हम दर्ज करते हैं, सामान्य घटनाएं तो जो रोज होती हैं कि हमने खाना खाया, हम सोकर उठे, हमने मुंह हाथ धोया, चाय पी, इससे कोई डायरी का संबंध नहीं है क्योंकि ये दैनिक और सामान्य क्रिया है। पर आज हमने किसी की मदद की, आज कोई हमको दारुण दुख भरी घटना से अवगत होना पड़ा, आज कोई प्रसन्नता आह्लाद का कोई विषय हमारे सामने आया, हमने उसमें कैसे रिएक्ट किया, ये चीजें जो है वो स्मरण योग्य होती हैं और हम इनको दर्ज करते हैं। तो डायरी लेखन क्या है ये इस प्रश्न में हमने जाना। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, डायरी लेखन का क्या महत्व है? तो उत्तर है, यों तो यह बिल्कुल ही निजी महत्व का लेखन है। डायरी जो है वो हम अपने लिए लिखते हैं, दूसरों के लिए नहीं लिखते, और किसी की डायरी को पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता, वह शिष्टाचार के विपरीत होता है क्योंकि वह एक निजी मामला है। तो डायरी तो एक तरह से बिल्कुल निजी महत्व का ही विषय है, परंतु किसी को इसीलिए किसी को अपनी डायरी दिखाई भी नहीं जाती। परंतु जब हम डायरी में साहित्य, समय, समाज और देश के बारे में अपने विचारों और घटनाओं को भी दर्ज करते हैं तब उसका हमारे अलावा सार्वजनिक महत्व भी हो जाता है, क्योंकि तब वह व्यक्तिगत होते हुए भी एक व्यक्ति का समाज से क्या जुड़ाव है, देश से क्या जुड़ाव है, उस समय घटने वाली घटनाओं के साथ उसके क्या संबंध है, अंतर संबंध कैसे हैं, वह भी उससे व्याख्यायित होते हैं। तो हम ऐसी डायरियों को पढ़कर जो प्रकाशित होती हैं बाद में, मनुष्य के समाप्त हो जाने पर, मर जाने पर ऐसे बहुत सी डायरियों का प्रकाशन हुआ है जो हमें उस काल की घटनाओं से, इतिहास से और उस समय के विचारों से हमें अवगत कराने का काम करती है। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, संसार में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है कि संसार में आज तक जिस डायरी को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है वह है एन फ्रैंक की डायरी। यह डायरी 1942 से 44 के बीच में 14 साल की एक लड़की जिसका नाम एन फ्रैंक था उसने लिखी थी। इसमें हिटलरवादी नाजियों के अत्याचारों के रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं का विवरण है। यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो वह ऐतिहासिक दस्तावेज तो मानी ही गई, साहित्यिक कृति भी उसे कहा गया और आज भी उसके कई संस्करण प्रकाशित होते रहते हैं और उन्हें पढ़ा जाता है। अब आप देखिए, 14 साल की एक नन्ही बच्ची जिसने अभी दुनिया को, संसार को, चीजों को ठीक से समझा भी नहीं है, पर उन दिनों
हिटलर की जो नाजी सेना थी, उसका जो नाजीवाद था, वह किस तरह से अत्याचार कर रहा था, एन फ्रैंक के परिवार को तहखानों में रह करके कैसे अपना रोज बचाव करना पड़ता था, कैसे जो है छुपना पड़ता था, और बाद में उसके पिता, उसकी माँ सब मारे गए, खुद एन फ्रैंक भी मारी गई, और वह डायरी कहीं पड़ी हुई किसी और को मिली, और बाद में जब उसे पढ़ा गया तो उसमें रोज की जो घटनाएं थी उनका सांसारिक स्तर पर महत्व पहचान कर उसे प्रकाशित कराया गया। तो यह संसार की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी है। और अब आते हैं हम प्रश्न चौथा, देखते हैं हिंदी साहित्य के किन महत्वपूर्ण रचनाकारों ने डायरी लेखन किया है। तो हिंदी साहित्य के जिन महत्वपूर्ण रचनाकारों ने डायरी लेखन किया है, मैं उनमें से कुछ प्रमुख नाम आपको बताता हूं। ये हैं मोहन राकेश, रमेश चंद्र शाह आदि। पहले यात्रा वृत्तांत को भी डायरी के रूप में ही लिखा जाता था। डायरी में आदमी कहीं जा रहा है, घूमने बाहर जा रहा है, तो वो डायरी में अपने रोज के विवरण दर्ज करता था। आज उसने क्या देखा, आज उसकी किससे मुलाकात हुई, आज उसने कैसा महसूस किया, तो ये सब डायरी में लिखा जाता था, और बाद में वह यात्रा वृत्तांत के तौर पर सामने आता था। तो ऐसी जो डायरियां हैं जो यात्रा विवरण के तौर पर लिखी गई थी, उनमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी की डायरी जो प्रकाशित हुई, उसका नाम है पैरों में पंख बांधकर। महापंडित राहुल सांकृत्यायन की ऐसी ही डायरी का नाम है रूस में 25 साल। सेठ गोविंद दास की डायरी का नाम है सुदूर दक्षिण पूर्व। डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी, ये सब पुस्तकें इसके अंतर्गत शामिल हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध जो विख्यात कवि हैं, उन्होंने भी एक साहित्यिक की डायरी के नाम से जो डायरी लिखी थी उसे साहित्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में माना जाता है। और अब आते हैं प्रश्न पांचवें पर, क्या डायरी लेखन एक साहित्यिक विधा है? तो इसका उत्तर है नहीं, डायरी लेखन एक साहित्यिक विधा नहीं है। हाँ, जब किसी साहित्यिक विधा को डायरी के रूप में लिखा जाए तो उसे साहित्य का एक रूप ही कहा जाएगा। असल में डायरी बिल्कुल ही निजी स्तर पर घटित घटनाओं और बौद्धिक भावनाओं प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा होता है। उन्हें हम किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए ही लिखते हैं। यह खुद अपना ही अपने आप के साथ एक साक्षात्कार होता है, अपने आप से एक बातचीत होती है। यह अपना ही एक दर्पण है, इसलिए यह साहित्यिक विधा इसे नहीं माना जाता। परंतु बहुत सी साहित्यिक विधाओं में डायरी शैली का प्रयोग किया जाता है। कोई कहानी लिख रहे हैं और उसका कोई पात्र है जो अपनी डायरी लिखता है, तो हम चित्रित करते हैं कि उस पात्र ने अपनी डायरी में क्या लिखा है, किस तारीख को क्या विवरण दिए हैं। हालांकि अब डायरी लेखन पत्रिकाओं में वह प्रकाशित भी किया जाने लगा है, जो लिख रहे हैं वो उनका लिखा हुआ सामने भी आता है, क्योंकि वो सामाजिक महत्व का अगर उसमें प्रश्न है, विचार है, तब वो प्रकाशित भी होगा। अब छठवा है, डायरी लेखन का क्या लाभ है, क्यों लिखते हैं हम? उत्तर है, डायरी लेखन से हमें पहला अपने आप को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है, क्योंकि डायरी में हम जो अपने बारे में विचार रखते हैं वह सब लिखते हैं, अपने आप से कुछ भी छुपाते नहीं है। अगर हमसे कोई गुनाह है, कोई गलतियां, कोई कमजोरी हुई है, हम उसे भी दर्ज करते हैं, क्योंकि हमको अपनी बात अपने आप से कहने का जो मौका डायरी देती है
हम उसका भरपूर उपयोग करते हैं। दूसरा है अपने अंदर जमा होने वाले भावनात्मक बोझ से मुक्ति पाते हैं। अगर हम इसे लिखेंगे नहीं, अभिव्यक्त नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो बहुत सी बातें हमारे अंदर उमड़ती घुमड़ती रहेंगी और वो भावनात्मक बोझ बन जाएंगी। और जब भावनात्मक बोझ बन जाएंगी तो मानसिक रूप से हमें वो परेशान करेंगी, विपत्ति पैदा करेंगी। तो बेहतर है कि हम उसे कहीं कह दें। जैसे एक बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भड़ास जब निकल जाती है तो आदमी शांत हो जाता है। ये भड़ास क्या है? ये भड़ास है अंदर जमा हुआ भावनात्मक बोझ। जब हम निकाल देते हैं गुस्से के रूप में, बकवास के रूप में, किसी के साथ अनर्गल बातचीत के तौर पर, झगड़े के तौर पर, तो वह हमारे अंदर से निकल जाता है और मन फिर से शांत चित्त निर्मल हो जाता है। डायरी ऐसा है कि अगर हम किसी से ये बात कह नहीं सकते, हम अपनी भड़ास निकाल नहीं सकते, तो डायरी में हम उसे दर्ज करते हैं, लिखते हैं और अपनी उन बातों को अपने आप से ही कह लेते हैं। तीसरा है अपने व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण क्षणों को हम भूल न जाएं, इसलिए भी उन्हें डायरी में दर्ज करते हैं। तीसरा लाभ ये है कि बहुत से हमारे जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जो हमारे साथ गुजरते हैं। वह दुख का भी हो सकता है, सुख का भी हो सकता है, आनंद का भी हो सकता है, सहयोग का भी हो सकता है। वह किसी की करुणा में शामिल होने का भी हो सकता है और किसी दूसरे का हमारी करुणा में शामिल होने का क्षण भी हो सकता है। ऐसे क्षण जीवन में आते हैं, गुजर जाते हैं और विस्मृति में चले जाते हैं। डायरी में हम दर्ज करके एक तरह का वह आभार हम प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे क्षण कब गुजरे, क्यों गुजरे, कैसे गुजरे। और चौथा है डायरी लिखना अपने ही साथ बेहतर दोस्ती करना भी है। हम अपने आप के दोस्त कैसे बनते हैं? जब हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से मिलते हैं, अपने आप से हम साक्षात्कार करते हैं। और ये काम डायरी के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि हम पहले उसमें लिखते हैं फिर उसको पढ़ते भी हैं। जब हमारे पास फुर्सत का समय होता है तब हम अपनी डायरी के पन्नों को पलटकर फिर से गुजरे हुए लम्हों को दोबारा जीते हैं। तो इस तरह ये हमारी अपने आप से दोस्ती भी है। और अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि सातवां है। अगर आपको डायरी लिखना हो तो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अगर कोई विद्यार्थी भी डायरी लिखना चाहता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई शौक होना चाहिए, हर विद्यार्थी के पास उसकी रुचियां होनी चाहिए, हॉबीज होनी चाहिए, और दो तीन चार हॉबीज भी हो सकती है। और अगर उसमें से एक हॉबी डायरी लिखना है, डायरी लिखने के प्रति आकर्षण बढ़ रहा हो, मन हो रहा हो, तो उसे क्या क्या करना चाहिए वो हम इसके उत्तर में देखते हैं। तो पहला है कि किसी पुराने साल की डायरी में लिखें। जो कुछ साल गुजर चुका है वैसे उसकी डायरी हमारे घर में मौजूद हो, पिताजी के पास, बड़े भाई के पास, किसी मित्र के पास, और हमको वो मिल जाए तो हम उस पर ही उसे लिखें। और जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की तारीख अपने पेन से नोट करें, तो हमें मालूम हो जाए हमने कब लिखा है। दूसरा है तय करें कि आप क्या सोचते हैं और अपने आप से क्या कहना चाहते हैं। डायरी लिखने से पहले हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार किस तरह के हैं और हम अपने आप से क्या कहना चाहते हैं। जब ये बात तय हो जाएगी तभी तो हम लिखेंगे। हम डायरी खोलकर बैठ जाएं, पेन खोलकर बैठ जाएं, लेकिन ये समझ में ही ना आए कि हमें लिखना क्या है तो डायरी लेखन होगा ही नहीं। तो डायरी लिखने के पहले ही हमारे मन में ये बात तय होनी चाहिए कि आखिर हम क्या सोचते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। अगला पॉइंट है इसी का कि आप दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, विचारों और बातचीतों को अपनी डायरी में दर्ज कर सकते हैं। शुरू में
ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप एक विचारवान व्यक्ति के तौर पर सीधे डायरी लेखन करने लगे, क्योंकि अभी तो आपकी उम्र विद्यार्थियों वाली है। तब ऐसे में हम डायरी लेखन कैसे शुरू कर सकते हैं? हम आज किस किस से मिले, उनसे हमारी किस विषय पर बातचीत हुई, आज कौन कौन सी घटनाएं घटी, आज किसका जन्मदिन मनाया गया, आज माता पिता के साथ हमारा कैसा व्यवहार रहा, ऐसी घटनाओं को भी हम डायरी में दर्ज कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, यह मानकर ही लिखें कि डायरी को कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा, तो आप अपनी डायरी ईमानदारी से लिख सकेंगे। डायरी को आप अपने सुरक्षित स्थान में रखिए, उसे दूसरों की नजर में मत आने दीजिए, और जब आप ये इत्मीनान कर लें कि ये डायरी आपके अलावा कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा, तब आप उसमें जो कोई दर्ज करेंगे वो ईमानदारी पूर्ण होगा, उसमें आप कोई लुकाव छुपाव नहीं करेंगे। और लुकाव छुपाव करना हो तो डायरी लिखिए ही मत, क्योंकि डायरी लेखन लुकाव छुपाव के विरुद्ध एक तरह का विद्रोह है। और आखिरी बिंदु है, आवश्यक नहीं कि उम्दा और साहित्यिक भाषा में ही डायरी को लिखा जाए। आप अपने लिए लिख रहे हैं तो अपनी तरह से लिखिए, जो आपकी भाषा है, जो जैसा आपसे लिखते बनता है वैसा लिखिए। कोई जरूरी नहीं कि आप एक महान लेखक की तरह उसकी महान भाषा को अपनाएं। तो ये एक सहज और सरल काम है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अब हमको सही और गलत चुनना है। तो पहला है, डायरी नितांत वैयक्तिक रचना है, ये सही है या गलत? तो इसका उत्तर है कि हाँ सही है, ये व्यक्तिगत रचना है। दूसरा है, डायरी लेखन स्वतंत्र लेखन है, स्वलेखन है, इसलिए उसमें घटना का एक ही पक्ष उजागर होता है। अब ये कथन सही है गलत है? सही है, क्योंकि हम अपने लिए लिख रहे हैं तो घटना का जो पक्ष हमारी दृष्टि में सही है, जैसा है, वही सामने आएगा, दूसरा पक्ष नहीं आएगा। फिर तीसरा है, डायरी निजी अनुभूतियों के साथ सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य का ब्यौरा भी प्रस्तुत करती है। तो ये गलत है, क्योंकि हम अपनी अनुभूतियों के ब्यौरे को ही प्रस्तुत करते हैं। चौथा है, डायरी का अंतरंग, डायरी एक अंतरंग साक्षात्कार है। अंतरंग यानी अपने तक सीमित, अपने अंदर के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने मन के साथ बातचीत, तो ये सही है। पांचवा है, डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, यह भी सही वाक्य है। तो यह था डायरी लिखने की कला पर आधारित प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।